हेलो एवरीवन। सो आज मैं आपके पास बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग फिर से लेके आया हूँ, और वो है आपके पर्सन की जिससे भी आप डील कर रहे हैं, उनकी लेट नाइट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, यानी कि आज रात वो क्या सोच रहे हैं, क्या सोचेंगे, और क्या कुछ हो उनके मन में चल रहा है, ये सारी बातें होंगी उसमें। और यहाँ पे देखेंगे कि ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे आपको रेजोनेट करेगी। और याद रखिए, एक जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट करे रखिए, रेजोनेट ना करे जो भी चीज़ इसमें से वो किसी और के लिए छोड़ दें। मेल फीमेल थर्ड जेंडर सेम सेक्स सभी के लिए। सो लेट्स बिगिन। आज रात वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, क्या सोच रहे हैं, और क्या कुछ निकल के आता है, लेट्स सी। आज रात व्यूअर्स के लिए क्या सोचेंगे उनके पर्सन। वाह, 9 ऑफ कप्स, प्यार भरा, प्यार उमर उमर के आ रहा है। टेम्परेंस, वाह, जस्टिस, बहुत अच्छी फीलिंग्स है आज रात के लिए, काफी सारे ऊपर। ओह माय गॉड, डेविल, मुझे अभी भी याद है, मैंने लास्ट रीडिंग जो की थी लेट नाइट फीलिंग्स के बारे में, वहाँ डेविल भी आया था। सो लेट नाइट जहाँ फीलिंग्स होंगी वहाँ डेविल के तो आना ही आना है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, हारपेंट। सो मैं पहले कार्ड अरेंज कर लेता हूँ। और लेट नाइट फीलिंग्स आपके पर्सन की, पहला कार्ड है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स, प्यार उमर उमर के आ रहा है, और बहुत ही प्यार से लबालब भर चुके हैं वो। आज रात की जो उनकी फीलिंग्स है बिल्कुल पर्सनल सेटिस्फेक्शन को लेके है, वो खुद भी पर्सनल सेटिस्फाई आपसे होना चाहते हैं, और आपको भी सेटिस्फाई करना चाहते हैं, पर्सनली फिजिकली मेंटली दोनों ढंग से जॉय करना चाह रहे हैं आपके साथ आज रात। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ हो, विश फुलफिलमेंट आपको भी देना चाह रहे हैं, खुद भी चाह रहे हैं, क्योंकि आप ही उनका विश हैं, और आपको पाके हमेशा वो फील करते हैं कि एक विश कम ट्रू वाली रिलेशनशिप है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ सिंगल्स के लिए भी नहीं है, बल्कि मैरिड कपल्स के लिए भी है, जो लोग डिस्टेंस में हैं, या किसी वजह से लड़ाई हो चुकी है उनकी, या कोई व्यक्ति जो नो कांटेक्ट में, उनके साथ रिलेशनशिप में अभी नहीं है, उनके लिए भी है रीडिंग है। और जो लोग सिंगल हैं और नया नया रिलेशनशिप देख रहे हैं अपने लिए, तो वहाँ भी जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं उनके लिए भी रीडिंग है। सो मैंने बताया 9 ऑफ कप्स बहुत ही सेटिस्फाई करने के मूड में आपको दिख रहे हैं आज रात में, और चाहते हैं कि आप उनके साथ हैं, फुल एन्जॉयमेंट करें, और अपनी सारी चीज़ों को उनके सामने खोल के रख दें। और वो भी चाह रहे हैं कि वो भी अपने दिल का हाल, अपना प्यार जो उम्र उम्र के उनके दिल में आ रहा है, वो आपके पास रखना चाह रहे हैं। टेम्परेंस, टेम्परेंस मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए है, क्योंकि हो सकता है कि आप में से कुछ पर्सन के जो पार्टनर हैं या जिससे भी आप डील कर रहे हैं, वहाँ थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ हुई आप लोग के बीच में, थोड़ा मनमुटाव हुआ, लेकिन आज रात वो यही सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में बैलेंस बनाया जाए। जिन बातों को लेके बात नहीं बन रही थी, चीज़ें सही नहीं जा रही थी, वहाँ बैलेंस करना चाह रहे हैं, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है। उनके दिल में प्यार और काम, या कोई फैमिली उनकी होगी या आपकी फैमिली होगी, उन सब चीज़ों में तालमेल बिठाना चाह रहे हैं, और जल्द से जल्द आपको रियूनियन चाह रहे हैं, या आपके साथ जो चीज़ बातचीत उनकी बन नहीं पा रही थी, उस चीज़ में को बातचीत करके सॉर्ट आउट करके एक बैलेंस रिलेशनशिप में चाह रहे हैं। तो आज रात की फीलिंग उनकी ये भी है। एंड जस्टिस कार्ड, जस्टिस कार्ड उन लोगों के लिए मुझे लगता है कि काफ़ी समय से आप लोग वेट कर रहे थे कि क्या उनके मन में चल रहा है, कैसा रिलेशनशिप आगे जाएगा, या बहुत दिनों से आप लोग कई मुद्दों पे एक तरह से इंसाफ आप मांग रहे थे अपने पर्सन से, कि जो भी समय आपने उन्हें दिया, प्यार दिया, अब समय आ गया है कि उसके लिए कोई डिसीज़न लेने के लिए। तो हाँ, आज रात में उनके दिल में पूरा ख्याल आ रहा है कि आपको जस्टिस दिया जाए, आपको न्याय दिया जाए,
क्योंकि वो भी ये बात समझ गए हैं कि आपने जितना समर्पण, जितना डेडिकेशन उनके लिए दिखाया है, कोई और नहीं दिखा सकता। तो अब वो जस्टिस देने के मूड में है, और डिवाइन की तरफ से भी मुझे लग रहा है कि आपको जस्टिस मिलेगा। और रात को उनका जो आज ख्याल है, लेट नाइट फीलिंग्स है, वो जस्टिस देने के बारे में ही है, आपको पूरा न्याय देने के बारे में ही है। आपके जो भी डेडिकेशन थे उनका फुलफिलमेंट अब होने वाला है। द डेविल, डेविल हमेशा से ही मेरे डेक में लेट नाइट रीडिंग में आया है, आज भी आया है, क्योंकि जहाँ लेट नाइट फीलिंग्स की बात होगी दो प्रेमियों के बीच में, डेविल का आना तय है। हालांकि डेविल्स एक निगेटिव कार्ड है, लेकिन जब भी पैशन के बारे में या एक लेट नाइट फीलिंग्स के बारे में डेविल्स आता है, तो मैं उसे बहुत ज़्यादा निगेटिव तो नहीं कहूँगा। बहुत पैशनेट है आपके बारे में आज रात में, वो बहुत पैशनेट है आपके बारे में, क्योंकि वो अलग अलग तरह से चाह रहे हैं कि फिज़िकल रिलेशनशिप आपका बने उनके साथ, और वो कुछ नई नई चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं। चाहते हैं कि आप कुछ सेक्सुअली कुछ ऐसा करें जिससे कि उनको बहुत खुशी हो, और वो भी चाह रहे हैं कि जल्द से जल्दी चीज़ें हों, और वो अपने मोह पाश में आपको जकड़ के रखना चाहते हैं। उनकी सेक्सुअल फीलिंग्स ऐसी है आज रात की कि वो आपको बहुत कुछ, एक नई चीज़ ट्राई करना चाह रहे हैं, जो सपोर्ट चाह रहे हैं वो। हो सकता है कि आपको वो चीज़ें पसंद ना हो सेक्स में, या एक फिज़िकल रिलेशनशिप में वो चीज़ें आपको पसंद ना हो, लेकिन यहाँ डेविल की एनर्जी है, तो वो कई तरह से अलग अलग ढंग से खुद का सेटिस्फेक्शन चाह रहे हैं, भले ही वो पोजीशंस या आप कह लें कोई भी चीज़ टॉक्सिक्स हो सकती है। इसका आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ डेविल की एनर्जी है, तो ये किसी भी लेवल तक जो रिलेशनशिप, फिज़िकल रिलेशनशिप और जो माइंड में जो भी चीज़ आती है, टॉक्सिक चीज़ें आती हैं, वो किसी भी लेवल तक जा सकता है। अगर आप उस चीज़ को हैंडल करने के लिए तैयार हैं, तो वो सपोर्ट मांग रहे हैं आपसे। हो सकता है कि आज रात को वो फ़ोन भी करें आपको, कई तरह की बातें, कई तरह की प्यार से भरी बातें या सेक्स रिलेटेड बातें आपके साथ कर सकते हैं, और वो अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं कि आपको फिज़िकली उनको क्या चाहिए आपसे। तो डेविल की एनर्जी तो है ही, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा फिज़िकली नई चीज़ें ट्राई करना चाह रहे हैं आपके साथ। बट आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो चीज़ आपके कंफर्ट लेवल के बाहर है वो चीज़ें ना करें, उनको समझाएं। क्योंकि अगर आप जिस लेवल पे नहीं जाना चाहते हैं और फोर्स करके आपको ले जाया जाएगा वहाँ, तो आपके लिए वो टॉक्सिक हो सकता है, डिज़ास्टर हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें। फोर ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी दिल में दबा के चीज़ें रखे हुए हैं आपके, आपके जो पर्सन हैं, आप में से कुछ लोग के पर्सन जो हैं, बहुत कुछ अपने दिल में दबाए हुए हैं। उसे प्यार भी कह सकते हैं, या किसी चीज़ के लिए छुपाने वाली बात, कोई चीज़ हम, मुझे लगता है ऐसी चीज़ छुपा रहे हैं जो जल्दी वो रिवील नहीं करना चाहते हैं, अपने तक ही रखना चाहते हैं। तो आप में से काफ़ी सारे पर्सन के जो पार्टनर हैं, वो आज रात तो अपनी चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रकट आपके पास शो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें उन्होंने अपने आप से भी छिपा के रखी हैं, और आपसे और लोगों से भी छिपा के रखी है। तो वहाँ मुझे थोड़ी सी हिडन फीलिंग्स है आपके लिए आज रात में। हो सकता है कि कुछ लोग को प्यार का इजहार नहीं दिया होगा आपके पार्टनर ने, तो अभी थोड़ा सा वो हिडन है, थोड़ा सा देख रहे हैं और सेव करना चाहते हैं अपने प्यार को, और जानना चाहते हैं। आज रात की फीलिंग्स कुछ लोग के लिए थोड़ी सी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन वो चीज़ों को दबाए हुए हैं। एंड द हैरोफेंट, तो हैरोफेंट तो अपने आप में ही एक बहुत ही स्पिरिचुअल कार्ड है, एंड यहाँ पे आपकी पर्सन जो हैं थोड़े से स्पिरिचुअल हो गए हैं, और कुछ ऐसी भी स्थिति उनके पास है जो आज रात वो काफ़ी सारे लोगों से राय लेंगे। हो सकता है कोई एक बड़े कलीग हो, जहाँ उनका कोई दोस्ताना संबंध हो, वहाँ से आपके बारे में आज रात को वो कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे, या आपके बारे में कुछ राय लेंगे, जहाँ से मुझे लगता है कि आज उनकी जो फीलिंग्स है आज रात को,
वो आपकी तरफ थोड़ी सी मूव होगी, थोड़ी फेवर में जाएगी और पॉजिटिव हो सकती है, क्योंकि यहाँ वो एक अपने कलीग से राय ले रहे हैं। और अगर आप एक सच्चे प्रेमी हैं तो या प्रेमिका है, तो जिनके पास भी आपके पर्सन कांटेक्ट आज रात में करेंगे आपके बारे में पूछने के लिए, जानने के लिए या समझने के लिए किसी भी मुद्दे पे, तो वहाँ से आपके लिए उनको अच्छी राय मिलेगी आज रात को और बातें बनने के पूरे चांसेस हैं। आज हम देखेंगे कि जो लेट नाइट फीलिंग्स है उसमें एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपको। आज रात की जो बहुत अच्छी मैंने रीडिंग निकाली है आज, और आप में से जितने पर्सन हैं उनके लिए बिल्कुल भी निगेटिव, बहुत निगेटिव कुछ भी नहीं निकल के आया है। तो लिखते हैं कि आज रात एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं, एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं आज रात को। लेट्स सी, देखते हैं, लेट्स सी। सो यहाँ पे मैंने दो कार्ड लिए हैं। आपको अपने पार्टनर का ट्रस्ट करना होगा। अगर वो डेविल मूड में है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, तो थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाएं उनमें और उनको मौका दें, क्योंकि आप रेडी हैं। एंजल का कार्ड है रेडी, आप रेडी हैं कोई भी चैलेंजेस को लेने के लिए, कोई भी बाधा को पार करने के लिए। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा भगवान पे और अपने प्रेमी पे भी ट्रस्ट करना होगा, अपने पर्सन पर भी जिससे भी आप डील कर रहे हैं वहाँ भी आपको ट्रस्ट दिखाना होगा, क्योंकि आप रेडी हैं उनका प्यार रिसीव करने के लिए और आपको फेथ रखना होगा। तो आज रात की फीलिंग्स बहुत अच्छी है आपके पर्सन की, और लेट्स सी, देखते हैं कि आगे क्या होता है, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रीडिंग में क्या होता है आपके लिए। आज की रीडिंग मेरी आज कंप्लीट हुई लेट नाइट फीलिंग्स की। अगले बार फिर मिलते हैं। ओम नमः शिवाय।